नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पटना नगर निगम चुनाव के आज नतीजों का दिन है और 8 बजते ही मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये कि पटना का मेयर कौन होगा, सवाल ये कि पटना की जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है, तो बस कुछ घंटे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसका प्रचार प्रसार काम आया, किसके पीछे जनता रही और कौन जनता को लुभा पाने में कामयाब हो पाया। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट कर दी गई है मतगणना केंद्र पर और यहां पर जो है पुलिस चौकसी की हुई है। वोटों की गिनती जब शुरू हुई उस दौरान प्रत्याशियों की चहलकदमी भी देखी जा रही है और सभी जो है इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि आज क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। देखिए, प्रचार का दौर जो है वो लंबा चला, प्रचार प्रसार में सभी ने अपने पसीने बहाए, अपने अपने स्तर से सभी ने मेहनत किया और सभी ने जितना हो सका धन का प्रयोग किया और सभी ने हर प्रकार से जनता को लुभाने की कोशिश की। लेकिन अब नतीजे का दिन है और सामने ये बात आनी है कि पटना ने किसको चुना, पटना की जनता ने किसको मेयर के तौर पर चुना है। बात विकास की चल रही थी काम करने की और बात चल रही थी अच्छे प्रत्याशी की, अच्छे कैंडिडेट की, लगातार जनता का ओपिनियन भी लाइव सिटीज आपको दिखा रहा था। लेकिन अब कुछ जानकारी अगर हम आपको दे दें तो पटना नगर निगम चुनाव के परिणाम का दिन है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दरअसल निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होता है, 70 सालों बाद राज्य में पहली बार जनता मेयर और डिप्टी मेयर चुन रही है। इससे पहले वार्ड पार्षद चुनते थे। इस चुनाव में 32 महापौर और 16 उप महापौर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यह भी बता दें कि दोनों ही सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित भी है। तो इसी प्रकार से चूंकि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं तो जो प्रत्याशी मैदान में हैं, कि आपने प्रचार प्रसार के दौरान देखा होगा, कोई अपनी पत्नी के लिए प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आ रहा था, वोट मांगता हुआ नजर आ रहा था, तो कोई खुद ही अपने लिए प्रचार प्रसार कर रहा था और ये कह रहा था कि पटना के मेयर के तौर पर आप हमें चुनिए। तो अब जो है आज नतीजे का दिन है, सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है सेंटर पर जहां मतगणना हो रही है। अब सवाल यह है कि पटना का मेयर कौन होगा, दोपहर तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के वोटों की गिनती थोड़ी ही देर में शुरू हो रही है और पटना समेत 17 निगमों के अलावा 23 जिलों के कुल 68 निकायों में चुनावी नतीजे आज ही आ रहे हैं। पटना में मेयर पद के लिए 32, डिप्टी मेयर के लिए 16 और 75 वार्डों में पार्षदों के पद पर 477 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। पहली बार जनता सीधे पटना के मेयर और डिप्टी मेयर चुनने जा रही है। तो बड़ा सवाल एक बार फिर से हम ये जो है बार बार इसलिए कह रहे हैं कि पटना का मेयर कौन होगा, क्योंकि इस बार जो है पटना के वोटिंग परसेंटेज ने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं और यह भी कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो पटना का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों के समीकरण को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है और कुछ भी हो सकता है। तो किसके पक्ष में फैसला होगा ये इंतजार का विषय है और दोपहर होते होते ये बात साफ हो जाएगी कि पटना ने किसे चुना है और पटना का मेयर कौन होने जा रहा है। फिलहाल टक्कर जो है वो काफी बताई जा रही है, हर प्रत्याशी एक दूसरे पर भारी नजर आ रहा था प्रचार के दौरान, जनता का साथ साथ भी लगभग हर किसी के साथ दिख रहा था, लेकिन ऐसे में नतीजा तो कोई और किसी और के ही एक के ही पक्ष में आनी होती है और कोई एक ही जीत हासिल करता है। तो ऐसे में इंतजार कीजिए और दोपहर तक ये बात लगभग साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।